जय श्री श्याम, राधे राधे। तो हरियाली तीज आने वाली है, तो इसके लिए हमने लड्डू गोपाल जी के लिए ग्रीन कलर की ब्यूटीफुल सी पोशाक बनाई है, बिना वुक्रम के और बहुत ईजी मेथड से। तो हमें नेट फैब्रिक लेना है, लेकिन प्लीज़ मेरे को भी इसका नहीं पता कि इसकी कितनी लेंथ है, क्या वृत्त है। मेरे पास इंस्टेप भी नहीं और मैंने आज तक कभी यूज़ भी नहीं की। मैं तो अपने अकॉर्डिंग ही बना लेती हूँ, जितना मेरे को बस मैंने माइंड में ये सेट कर रखी हूँ जितना लंबा हो सके उतना लंबा फैब्रिक लेना है। तो मैंने इस जो नेट की फैब्रिक है इसकी बहुत ही अच्छी चौड़ाई रखी है, बस आपको एक के ऊपर एक रखते हुए, जैसे हम चुन्नटे बनाते हैं वो बनानी है। पर एक चीज़ याद रखनी है कि पास पास बनानी है बिल्कुल, जितना पास आप अपनी चुन्नटे रखोगे उतना ही अच्छा आपकी जो ड्रेस है उसका लुक आएगा। तो देख सकते हैं मैंने बना ली है और बिल्कुल सर्कुलर बनी है। अब हम एक रेक्टेंगल पीस लेना है और उसको सिल देना है नेफा बनाने के लिए। फिर हम डोरी लगाएंगे एंड डोरी को फिर अब हम इसको ऐसे रोल रोल करते हुए ड्रेस के ऊपर सिल देंगे। तो मैं नेफा बन के बिल्कुल रेडी, बहुत ही आसान तरीके से ड्रेस है, आप देखेंगे तो आपको बनानी ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। अब हम इसकी जो गांठ लगा देंगे डोरी खींचते हुए, ताकि मैं सर्कुलर पैटर्न बन के आ जाए। तो सर्कुलर बिल्कुल बन के आ गया है। अब साइडों को लेते हुए हम एक के ऊपर एक प्लेट रखते हुए पूरे साइडों में हम सर्कुलर बिल्कुल सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली, हमारा बेस तो बिल्कुल बन के रेडी है। हम थोड़ा सा इसको डेकोरेशन कर देते हैं। तो मेरे पास गोल्डन फैब्रिक था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे डेकोरेशन करूं, और मटेरियल भी मेरे पास बहुत ही कम रहता है, तो मैंने कुछ अपना ही DIY किया। तो मैंने इनको लीव्स बना के साइडों में से लाइटर की हेल्प से इनको जो थ्रेड उनको सिक्योर कर लिया। अब मैं सोच रही थी कि एक एक लीफ ऐसे लगा लगा के इसको डेकोरेट करते हैं, तो फिर मैंने ऐसे ही अरेंज कर दिया, एक लीफ इस साइड, एक इधर, एक बाहर निकाल दी। ऐसे ही अरेंज करते हुए मैंने पूरे को सिल दिया। आप चाहे तो इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे मेरे को सही लगा वैसे मैंने इसको सिल दिया पूरे को। कुछ लीव निकाल दी, एक दो बाहर निकाल दी, एक अंदर साइड रख ली, एक बाहर साइड रख ली, यानी ऐसे अरेंज करते हुए मैंने पूरे में सिल दिया। देख सकते हैं ये गोटा पट्टी वाला लुक आ रहा है ना बिल्कुल। अब मेरे पास ये लेस थी तो इसके जो ये पिंक वाली थ्रेड है इसको मैंने निकाल लिया। मैंने सोचा थोड़ा सा ग्रीनी सा इफेक्ट तो आ गया, लेकिन थोड़ा फ्लावर वाला इफेक्ट भी आना ज़रूरी है, तो ये पिंक वाले मैंने सोचा ये फ्लावर जैसे लगेंगे। तो मैंने पहले तो बाहर के साइड लगाया लेकिन मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने अंदर की साइड ही इनको पेस्ट कर दिया, जैसे कि फ्लावर जैसा होता है ना वैसे इफेक्ट में अपनी लुक आ जाए। फिर ऐसे ही मैंने जहाँ मैंने जो बाहर की साइड लीव निकाली थी वहाँ उसको पेस्ट कर दिया। तो मुझे खुद को ही पता नहीं रहता कि मुझे क्या करना है, मैं सोच के ड्रेस नहीं बनाती, जैसे जैसे मेरे को समझ में आता है वैसे वैसे बनाती हूँ, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ड्रेस बनाने में। और मटेरियल अगर फ्लावर हो तो बस फटाफट वही पेस्ट कर दो, लेकिन मुझे तो इसे पूरा डेकोरेटिव बनाना होता है। अब मैं इसके ऊपर स्टोन वगैरह पेस्ट कर रही हूँ। बस अपना क्रिएटिविटी करते जाओ एंड ड्रेस को अदर लुक, थोड़ा अलग हटके लुक मिल जाता है अगर आपके पास मटेरियल भी कम हो। अब हम इसके ऊपर स्टोन आपके पास जो भी मटेरियल उसको बस क्रिएटिविटी करते हुए DIY करते हुए अपने ड्रेस को। अब मेरे पास एक ही फ्लावर था, मैं तो जिस ड्रेस पे लगूंगी वैसे भी अच्छा नहीं लगना, तो मैं इसके सारे सितारे वगैरह जो थे इसको निकाल के अपने ड्रेस के जो अंदर वाला सर्कल है इसके ऊपर लगा दिया गोल्डन वाले, तो क्योंकि ग्रीन के ऊपर ग्रीन तो वैसे ही नहीं दिखने थे, और बाहर की साइड ये गोल्डन वाले थे इनके ऊपर मैंने ग्रीन वाले लगा दिया, तो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट लुक आ गया। अभी ऐसा लग रहा है जैसे हमने लेस लगा रखी हो, बल्कि हमने ये खुद बनाई है पूरी की पूरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ आपको बताना हो तो वो भी बताएं। तो ऐसे करते हुए हमने ड्रेस पूरी कंप्लीट कर ली। और अब आप बोलेंगे चोली, तो चोली मैंने नहीं बनाई है इस वीडियो में, उसके लिए सॉरी। तो आपको ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड हैप्पी हरियाली तीज जल्दी से आने वाली है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे राधे।